से भरपूर एक नुमाइश में मौजूद हूँ जहाँ पे रंगीन पेंसिलों से बनाई गई ये खूबसूरत तस्वीरें बेपना रंग बिखेर रही हैं। आइए चल के कुछ लोगों से पूछते हैं कि उनको कैसी लगी ये पेंटिंग्स। मैं लैंडस्केप पेंटर्स की जो ट्रेडिशन है यहाँ पंजाब में बहुत पुरानी, मैं उसकी लड़ी में से अपने आप को इंक्लूड करती हूँ। आई एम इंस्पायर्ड बाई नेचर, आई स्टैंड ऑन द स्पॉट प्लान द ईयर आर्टिस्ट हूँ, जहाँ इंस्पायर करता है जो भी स्पॉट, उस स्पॉट में इंस्पिरेशन की क्या बात होती है वो अक्सर मुझे वहाँ खड़े होकर काम करने के बाद समझ में आती है कि इसने मुझे क्यों यहाँ रोका। जैसे कई पेंटिंग्स यहाँ पे हैं जिसमें साइकिल ऑफ लाइफ समझ में आता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर है, वहाँ पर ट्रीज़ हैं, दे आर देयर फॉर एवर, हम आते हैं चले जाते हैं, ये चीज़ें बहुत साल रहती हैं, दे स्पीक टू मी इन दैट टर्म्स एंड सम ऑफ देम आर जस्ट प्योर एस्थेटिक प्लेयर। अगर अल्लाह की कुदरत है, सरसों का खेत है या कोई येलो अमलतास के फूल हैं, तो उनका लाइट, उनका शेडो, उनका प्ले जो है कि एस्थेटिसिटी है वो मुझे अपील करती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम होता है कि अब प्लेन लैंडस्केप जो है वो कोई डिस्प्ले करे, क्योंकि कंसेप्चुअल आर्ट की तरफ बात है। मेरे जहन से नेचर की हर चीज़ कुछ ना कुछ कह रही होती है, सुनने वाले चाहिए, समझने वाले की नज़र चाहिए, तो इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। And I love pastels. This is a show in pastels. Pastels again वो medium है जो पुराने तर्ज में sketch medium कहलाया जाता था, minor mediums में से कहलाया जाता था, मगर जैसे जैसे वह गुजर रहा है हर art medium जो है वो change होता जा रहा है। So मेरा personal favorite pastels है, उसमें मैं बहुत enjoy करती हूँ, play करना भी, उसको करना भी। It's a very sensitive medium and nevertheless I really enjoy it and I think it's one of the rare shows जो कि पूरा pastels में है। बहुत कम होता है कि आर्टिस्ट सीरियसली इसको लें। बचपन से शौक था, जैसे घरों में हर एक होता है, मेरे ख्याल एवरी चाइल्ड इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की ये जो सिफ्त है वो हर बच्चे में होती है, उसको आगे कितनी जगह देते हैं पेरेंट्स या कितना उसको पनपने का मौका देते हैं। आई वॉज़ लकी, आई वॉज़ फॉर्चुनेट, माई फादर गाइडेड मी एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड ड्राफ्टमैन, बहुत खूबसूरत ड्राॅइंग करते हैं, मगर प्रोफेशनली वो इंजीनियर हैं। सो उन्होंने मुझ में ये शौक जो है वो बहुत डेवलप किया, हमेशा मेरी चीज़ें, मेरा मटीरियल, गिविंग मी स्पेस, माई एंट्री इन टू पंजाब यूनिवर्सिटी इन फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, माई टेकिंग फाइन आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट, वो सब मेरे पेरेंट्स की पुश थी मेरे पीछे और अब भी उनकी पुश है। सो उसके बाद से वंस आई गॉट इन टू सीरियस पेंटिंग, मास्टर्स जब मैंने कर लिया था उसके बाद ये था कि ये रुकना नहीं है, ये काम, बच्चे हुए, फैमिली है, शादी है, उसके साथ साथ सब के चलता रहता है। वेरी वेरी इंकरेजिंग, वेरी सपोर्टिव हस्बैंड आल्सो, जो कि हमेशा यही कहते हैं कि क्यों और नहीं करना, बस काफ़ी हो गया तुम्हारा काम, तो फिर यू नो गेट पोशी इंकरेजेज मी। सो फैमिली के साथ भी जाती हूँ। सो पेस्टल्स अगेन इज़ वन मीडियम जो कि मैं बैग में रख के ले जाऊँ, उसके फ्यूम्स नहीं हैं जो बेबीज़ को तंग करें। जब बच्चे छोटे थे तो ऑयल पेंटिंग नहीं कर सकते आप कमरे में, बाहर से ला के भी रखते हैं तो बच्चे पेस्टल हाथ लगा के दीवारों पे मल देते हैं। पेस्टल्स अगेन वो खेल भी लें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। सो इस तरह से आज देखिए फेजेस आते हैं आर्ट की। आर्ट एक दरिया की तरह है, उसमें ऊंच नीच बहाव का उतार चढ़ाव, उसमें इन्फ्लुएंसेस जैसे अंडर आते हैं, फिर उसके इन्फ्लुएंसेस जो बाहर जाते हैं वो एक दरिया की तरह। दिस इज़ व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स, अगेन आई एम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तो हम स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं इस तरह से। बट जिस तरह का दौर होता है, बेहतर है कि उस तरह का काम करें और उस चीज़ को मनवाएं और उस काम करने में ही उनको अपनी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देखिए आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप कॉमर्शलिज्म के लिए करते नहीं हैं, कर सकते हैं, मगर वो जो ट्रू आर्ट है वो आपके अंदर से निकलेगा, खुद ही निकलेगा। स्टूडेंट्स को सिर्फ ये मैं यही कहती हूँ कि आप हर किस्म का आर्ट चखें, उसको चखें, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा आपसे रिलेट करती है, बिकॉज एवरी आर्टिस्ट इज़ अ सेंसिटिव पर्सन, वो बातें करता है उससे काम उसका, जो उसको ज़्यादा फील करता है वो उस लाइन में चल पड़े, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप, और जो सच्चा काम है उसकी कहीं पे भी हर जगह पे उसकी एक्सेप्टेंस है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद सजाद अकरम मेरा नाम है, नुक्ता स्टूडियो को ऑन करता हूँ और ये हमारा 23rd शो है यहाँ पे, जो कि मैम नायला का एग्जीबिशन है, पेस्टल्स की इनकी एग्जीबिशन है।
और इस एग्ज़िबिशन का टाइटल हमने मिलके दिया, और इस एग्ज़िबिशन का टाइटल द स्केच बुक के नाम से था। द स्केच बुक एक आर्टिस्ट के लिए एक बिल्कुल उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से वो अपने आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करता है और उसके बाद उसमें सोचना शुरू करता है कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए अपने आइडियोलॉजी में, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। तो वो पहला पॉइंट आर्टिस्ट कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए हमने उसी स्केच बुक को ही अपने एग्जीबिशन का टाइटल बनाया, और सब काम मैम का जितना भी है वो उसी स्केच बुक से ही रिलेटेड है, कि उनकी जो जो मेमोरीज़ उनकी हैं, जहाँ जहाँ पे वो जाती रही हैं, काम किया, डिफरेंट स्पॉट्स पे जाके उन्होंने लाइफ पेंट किया, ये सब उसी से रिलेटेड काम है। और ये पेस्टल मीडियम ऐसा मीडियम है जो हर आर्टिस्ट प्रोफेशनली यूज़ नहीं करता। मैम ने उसको लेके चला और बहुत अच्छे तरीके से लेके चला, और जैसे मैम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं तो स्टूडेंट्स के लिए एक ये ऐसा मीडियम है जिसको वो अडॉप्ट करना चाहें तो बहुत अच्छे तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। और मैम अपनी प्रैक्टिसेस में स्टूडेंट्स को कराती भी हैं, तो इस मीडियम को भी प्रोफेशनली लेके चला जा सकता है। तो ये मैम का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मैम का पूरा शो पेस्टल्स में है, और बहुत अच्छा शो है जी। एक तो मेन मैसेज ये है कि एग्जीबिशंस और एक्सपोजर के लिए आप दुनिया देखें, डिफरेंट स्पॉट्स पे जाएं। पहले हमारे जितने सीनियर लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं स्पॉट पे जाया करते थे, डिफरेंट जगहों पे जाके लाइव पेंट किया करते थे। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारे उसमें बिल्ड होती जा रही है, हम पिक्चर्स लेके घरों में बैठ के पेंट करते हैं, तो उसमें वो फील, उस जगह का इन्वायरमेंट की फ़ील वो नहीं आ पाती। तो बेहतर है आप बाहर निकलें दुनिया में, लाइव पेंट करें, ताकि लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उन जगहों के साथ इंटरेक्ट करें, और इस जगह को, इस पाकिस्तान को ऑन करें। जो पेंटिंग है तो मुझे तो बहुत अट्रैक्शन लगे हैं, कलर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अम्मी के कहने पर ही मैंने गए आप अपनी एग्जीबिशन ज़रूर करें, और जो ने हर डिफरेंट कलर के इस्तेमाल किए हैं वो तो मेरे कहेंगे सब स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कहें, देखें इमेजेस अपनी ड्रॉ करें, सब दुनिया के साथ शेयर करें, आर्टिस्ट वाले के उनको समझ आ सके कि दुनिया में क्या हो सकता है, कलर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या दुनिया के लोग अट्रैक्ट होते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर। बेसिकली पेंटिंग का पर्पज़ मेरे नज़दीक यही है कि आप लोगों को डिलीवर कर सकते हैं वो साइट्स, वो सारा कुछ जो हमने नॉर्मली नहीं देखे होते। मैम ने जितने भी ये काम किया है ये सारा लैंडस्केप पे किया हुआ है, ये वो सारी पंजाब के वो एरियाज़ हैं जो शायद हमने नॉर्मली नहीं देखे या जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं या देखते ही नहीं हैं। पेंटिंग में आप डिलीवर ही यही कर रहे होते हो कि ये सारे एरियाज़ भी हैं जिन्हें आप पेंट कर सकते हो, जिन्हें आप देख सकते हो, कितने खूबसूरत ये कलर्स हैं, कितने सीजन्स हैं जो मैम ने पेंट किए हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि आप लैंडस्केप को ही पेंट करते हो, आप अपने स्टूडियो में, अपने घर में आप स्टिल लाइफ को अरेंज करो, जैसे मैम ने किया हुआ है, कितना मज़े का उन्होंने काम किया हुआ है ये अरेंज करके, उन्हें आप किस तरह से ड्रॉ करते हो, कैसे पेंट करते हो, और बहुत मज़े के मैम का सारा काम है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, और मैम के डिफरेंट मूड्स हैं इसमें कि उन्होंने किस किस जगह को कैसे कैसे पेंट किया है। इन्होंने आर्किटेक्चर को भी पेंट किया हुआ है, इन्होंने लैंडस्केप्स को भी किया हुआ है, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को पेंट किया है, बहुत मज़े का काम है मैम का। आई सीन अ लॉट ऑफ पेस्टल्स की नुमाइश मैंने बहुत देखी है, पेस्टल्स में मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, मैंने ख़ुद कभी नहीं पेस्टल्स किए, लेकिन मुझे जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी है जो चीज़ वो है, जितनी डिटेल्स मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे है तो ये इम्प्रेशन का वर्क, लेकिन जितनी डिटेल्स के साथ बनाया गया है, जिन पेंटिंग्स की तरफ नज़र जाती है और मुझे लगता है कि ये दिस इज़ अ मास्टरपीस, जितनी डिटेल्स के साथ, जितनी खूबसूरती। और अच्छा ये भी है कि एक क्रिटिकली भी देखते हैं, आपके एक पिक्चर को देख के आप सोचते हैं कि ये किसी को देख के बनाई गई है, तो देर मस्ट बी सम बैलेंस इन नेचर, तो उस बैलेंस को अगर आप कैप्चर ना कर पाए ना, तो वो मेरे जैसे एक नॉर्मल आदमी को, एवरेज जो को भी समझ में आता है कि बैलेंस नहीं है, देर समथिंग। बट यहाँ इस नुमाइश में मुझे आई एम पर्टिकुलरली वेरी हैप्पी टू सी कि पिक्चर्स में जो बैलेंस नज़र आ रहा है, it's really amazing. I would rate it as my one of the best pastels I've seen, so many of them together. हाँ,
نائلہ کے کام میں ورائٹی بہت ہے، اتنی ایبسٹریکٹ سے شروع ہو کے اور اس کے بعد لینڈسکیپس میں جب جاتی ہیں، اور پھر لینڈسکیپ میں بھی بہت زیادہ امپریشنزم کی طرف جس طرح ان کا سٹائل ہے، اور لائٹس اور ڈارک کا بہت کمبینیشن بہت اچھا ہے. پھر اس یہ کہ ان کے اس میں کمپوزیشن بہت اچھی نظر آتی ہے ہمیں، اور پھر یہ ورائٹی اس لحاظ سے کہ اگر آپ کو ٹریز میں بہت جیسے ان کا شوق نظر آتا ہے تو بہت ہی کہیں بالکل فولیج نہیں ہے، کہیں بہت زیادہ بالکل اسٹیم کے ساتھ ہے، تو کام میں ورائٹی بہت ہے مجھے. اور ان کے کلرز بہت پسند آئے، ڈارک اور لائٹ کا کنٹراسٹ بہت پسند آیا. زندگی رنگوں کا امتزاج ہے، ان رنگوں کو خوبصورت تصاویر کی شکل دینا ایک مصور کا ہنر. ایسا ہی نظارہ آج نائلہ عامر کی ان خوبصورت تصاویروں کو دیکھنے کے بعد ملا، جہاں پیش کی گئی یہ خوبصورت تصاویریں کہیں قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کے رنگ بکھیر رہی ہیں اور کہیں بہار میں کھلتے پھولوں کی نمائش پیش کر رہی ہیں. کیمرامین مدثر عزیز کے ساتھ رمشہ عارف، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.